हाय, इस घर के दो अहम बच्चे ही आज टेबल पर मौजूद नहीं, और टेबल इतनी सोनी सोनी लग रही है ना, कसम से। हाँ, कल भी दो बच्चे ना घर में नहीं होंगे, कल भी सोना सोना लगेगा, और उसके एक दिन आफ्टर भी। ओके, मेरे भाई के तो किसी को परवाह ही नहीं। What is Falak? तुमने कुछ talking की है? मैं कह रही थी कि चाय बहुत अच्छी है। ये बात तो मानने वाली है। देखें, अगर मैं सितारा को नहीं रोकता तो इतने मजे के खाने और चाय हम लोगों को कैसे मयसर होती, क्यों फलक? मामा, आप भी तो चाय कितनी अच्छी बनाती है, tell him. Really? और तुम्हें खुद तो नहीं आती ना चाय बनानी, बोल तो ऐसे रही हो इतरा के जैसे तुम्हें खुद आती हो बनानी। तुम अपनी ये डर्टी बीक बंद रखो। अरे क्या हो गया तुम दोनों को, चाय के बस लड़ाई की शुरू कर दी तुम दोनों ने। You are so right, आफ्ताब भाई, ये सब पीपल्स जो है ना मेरी बेबी के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये सबसे यंग है ना यहाँ पे। ओ गुड्डो, मेरी बात ना तुम ध्यान से सुनो। इस बात का हरगिज ये मतलब मत लेना कि अगर मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ तो तुम कुछ भी हाँके जाओगी और मैं सुनती चली जाऊंगी। बड़ी आई तुम्हारी बेबी छुन्नी काकी छोटी मुन्नी। Oh my God. अरे गुड्डू भाभी, दर गुजर करें, माहौल खराब मत करें प्लीज। अरे चची, आप लोग प्लीज गुस्सा मत करें। देखें, इस घर के अंदर ना दो लोग बहुत छोटे हैं, एक मैं और दूसरा बेबी जी। क्यों बेबी जी? जी पपलू भाई। फूफा, मुझे आप एक बात बताएं, ये कहां का इंसाफ है कि एक लड़का इस घर का, उसकी शादी का सबको ख्याल है, सबको फिक्र है, और दूसरी जगह दूसरे लड़के का किसी को ख्याल ही नहीं है। लेकिन पब्लू भाई, आपने तो अभी खुद ही थोड़ी देर पहले कहा था कि आप तो छोटे हैं। देखा, बस यही इज्जत है, सबको मेरी बेइज्जती करना आती है बस। अरे दिल छोटा मत करो मियां बबलू, हम तुम्हारे लड़की तलाश करेंगे। अबो भाभी, कुछ सोचा है आपने इसके लिए, लड़की तलाश की है? वो आफ्ताब भाई, मैंने एक दो घर रिश्ते जहाँ अच्छे थे ना तो वहाँ तस्वीर भिजवाई थी बबलू की। अफसोस तो ये है कि इससे पहले कि हम अगला कदम आगे बढ़ाते, उन लोगों ने बबलू की तस्वीर देखते ही इसे रिजेक्ट कर दिया। तो मैं अब सोच रही हूँ एक दो और घरों में भिजवा दूँ इसकी तस्वीरें जरा अच्छी सी बनवा कर। ओह नो। अच्छा अच्छा, बबलू मियां चले भाई, नमाज पढ़ के आते हैं, चलो आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, चले।